नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जनार्दन विहब्बार। easyayurveda.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आमला का लेह के बारे में जानेंगे। यह आमला का लेह लैंगिक शक्ति वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम्ल एक अच्छा वयोवर्धक है। इसको लेने से व्याधि क्षमता बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, यह हम सब खूब जानते हैं। लेकिन आमला को लैंगिक शक्ति वृद्धि के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे च्यवनप्राश जो व्याधि क्षमता वृद्धि कारक है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ च्यवनप्राश लैंगिक शक्ति वर्धक जैसे भी काम करता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में कोई भी विज्ञापन या एडवर्टाइज नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आयुर्वेदिक शिक्षण को आपको देना मात्र है। आज का आमला घरेलू उपचार चक्रदत्त नाम का एक प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ से लिया गया है। इस उपचार का श्लोक ऐसा है, एवं आमलकम चूर्णम स्वरसे नैव भावितम शर्करा मधु सर्पिर्भिर युक्तम लीड्वा पयः पिबेत एते नाशीति वर्षो अपि युवेव परिहृष्यते। यह चक्रदत्त ग्रंथ में रुष्याधिकार नामक अध्याय में लिखा गया है। अब इस श्लोक को तोड़कर अर्थ निकालेंगे। एवं आमलकम चूर्णम मतलब आम्ल का चूर्ण ले, स्वरसे नैवा इस आम्ल चूर्ण को आम्ल का रस के साथ, भावितम मतलब भावना करे, मतलब चूर्ण को रस के साथ तब तक घिसे जब तक चूर्ण शुष्क हो जाए, शर्करा मधु सर्पिर्भिर युक्तम नंतर इस चूर्ण को खड़ी शाकर शहद और गाय का घी सम प्रमाण में मिश्रण करे। यह एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी शहद और घी एक साथ हम उपयोग करते हैं, वह ध्यान रखना है कि शहद को घी से थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए और शहद और घी को सम प्रमाण में उपयोग आयुर्वेद में वर्जित है। नंतर लीड हुआ मतलब इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर लेह तैयार करें। पयह पिबेत इस लेह का सेवन के बाद दूध पीना चाहिए। एतेना अशीति वर्षो अपि ऐसा करने से एक 80 साल का वृद्ध भी युवेव परिहृष्यते एक युवा व्यक्ति जैसे शक्ति पाएगा। तो यह है आम्ल लेह का कहानी। अब हम इसको बना के सीखेंगे। पहले आम्ल फल को काटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। इस टुकड़ों को खरल में या मिक्सर में लेकर इसका रस निकालेंगे। रस के सम प्रमाण में आम्ल का चूर्ण को एक खरल में लेंगे और खूब पीसेंगे ताकि सब रस लुप्त हो जाए। बाद में सम प्रमाण में खड़ी शाकर घी और थोड़ा ज्यादा शहद डाल के पीसेंगे। अब तैयार हुआ है आपका आम्ल लेह। इसको 10 से 20 ग्राम तक रात में खाने के आधा घंटा पहले सेवन करना है। सेवन के बाद एक गिलास दूध भी पीना है। यह यौन शक्ति बढ़ाता है, साथ ही व्याध क्षमत्व यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में अति उपयुक्त है। इसलिए यह लेह को सभी आयु के लोगों में उपयोग किया जा सकता है। बच्चों में इसका प्रमाण 3 से 5 ग्राम तक दिन में एक बार करना उचित है। बच्चों में और गर्भवती माताओं में यह सेवन से पहले वैद्य सलाह लेना अत्यावश्यक है।
खड़ी शाकर के कारण यह मधुमेह रोगियों में निषिद्ध है। इसको उच्च रक्तचाप के लोगों में भी उपयोग किया जा सकता है। एक बार तैयार करने के बाद इसको एक या दो सप्ताह तक रख सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में और बहुत सारे चीज जानने के लिए कृपया भेंट कीजिए easyayurveda.com। नमस्कार।